तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हैं। आईपीएल 2023 गुजर चुका है, 2024 की अब शुभगात शुरू हो गई है। तो 2024 में क्या क्या बड़ा होने वाला है, उस हर बड़ी जानकारी की जानकारी हम आप लोगों को अपने चैनल पर दे रहे हैं। कौन सा खिलाड़ी रिलीज होगा, किस खिलाड़ी के पीछे कौन सी टीम जाएगी, किस खिलाड़ी के पीछे क्या क्या हो सकता है, ये तमाम जानकारियां मैं आप लोगों को दूंगा। एक पूरी सीरीज हम चलाएंगे कि आखिर कौन सा खिलाड़ी रिलीज होना चाहिए वास्तव में या नहीं होना चाहिए, ये भी हम आप लोगों को बताएंगे। लेकिन अब मैं बात करूंगा बेन स्टोक की। बेन स्टोक को लेकर खबर है कि चेन्नई सुपर किंग्स बेन स्टोक को छोड़ देगी इस बार, क्योंकि रकम भी बहुत ज्यादा है, पैसे उतने बहुत ज्यादा दे दिए, प्रदर्शन उतना हो नहीं पाया, ज्यादा मैचेस खेल नहीं पाए, तो चेन्नई सुपर किंग्स को नुकसान हो गया, बहुत बड़ा घाटा हो गया बेन स्टोक को खरीदकर। अब चेन्नई सुपर किंग्स बेन स्टोक को छोड़ देगी। लेकिन जब बेन स्टोक को छोड़ा जाएगा तो जाहिर तौर पर जितना बड़ा नाम है, जिस तरीके के खिलाड़ी हैं, तो बहुत सारी टीमें उनके पीछे भी जाएंगी। अब कौन कौन सी टीम को बेन स्टोक की जरूरत है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा, और कहां पर किस तरीके की रणनीति के साथ बेन स्टोक के पीछे जाया जाएगा, ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ये बात साफ है कि चेन्नई अगर बेन स्टोक को छोड़ेगी तो पीछे एक बार जरूर जाएगी, कुछ रकम तक जरूर जाएगी, इतना महंगा तो नहीं खरीदेगी, लेकिन हाँ कुछ एक रकम तक बेन स्टोक के पीछे चेन्नई जाएगी। उसके पीछे की वजह यह है कि चेन्नई के पास तेज गति का ऑलराउंडर नहीं है कोई। अब तेज गति के ऑलराउंडर के लिए चेन्नई को बेन स्टोक जैसे किसी खिलाड़ी की जरूरत है। वो बेन स्टोक के पीछे भी जा सकते हैं, वो होल्डर के पीछे भी जा सकते हैं, इस तरीके के खिलाड़ियों के पीछे जाया जा सकता है। तो यहां पर यह भी बात है, चेन्नई भी उनके पीछे जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास ब्रावो वाला, वो तेज गति वाला कोई ऑलराउंडर उनके पास नहीं। अब दूसरी टीम कौन हो सकते है? पहले मैं बेन स्टोक का प्रदर्शन आपको बता देता हूं आईपीएल में अभी तक क्या रहा है, फिर सारी टीमों का पूरा रणनीति बताऊंगा। बेन स्टोक ने 45 मैच खेले हैं, 907 रन बनाए हैं, 28 विकेट चटकाए हैं, हाईएस्ट 107 है, स्ट्राइक रेट 133 का लगभग रहा है उनका आईपीएल में। दो अर्धशतक लगाए, मतलब बात यह है कि लंबी पारी खेल सकते हैं। जिस खिलाड़ी ने दो शतक लगाए हैं और केवल 45 मैचों में, ज्यादा खेले भी नहीं है, तो जाहिर तौर पर अच्छा उसको टैलेंटेड माना जा सकता है। रन भी बनाए हैं, विकेट भी चटकाए हैं, तो बेन स्टोक एक अच्छे खिलाड़ी हैं। कुछ टीमों में कप्तान का भी ऑप्शन है, तो वहां पर भी बेन स्टोक जा सकते हैं। बहुत सारी टीमें कप्तान के तौर पर भी उनको खरीद सकते हैं। तो सबसे पहला नाम है गुजरात। गुजरात की टीम क्यों ले सकती है? गुजरात की टीम दरअसल इसलिए ले सकती है बेन स्टोक को, क्योंकि गुजरात की टीम एक तो शिवम मावी को रिलीज करेगी, शिवम मावी के बाद गुजरात की टीम हो सकता है कि मैथ्यू वेड को रिलीज कर दे, ऐसे दो तीन खिलाड़ियों को रिलीज किया जाएगा, हो सकता है कि जोसेफ को रिलीज कर दे। अब इन दो तीन खिलाड़ियों को रिलीज करके बेन स्टोक जैसे एक अच्छे खिलाड़ी को लिया जा सकता है 7-8 करोड़ में, अगर मिल गए, क्योंकि शिवम मावी भी 6 करोड़ में है। अब गुजरात को जरूरत क्या है, आप लोगों के जहन में सवाल होगा कि बेन स्टोक की जरूरत क्या है। तो बेन स्टोक की जरूरत है गुजरात को बेन स्टोक की जरूरत 2023 में पड़ी। 2023 में कैसे, क्योंकि हार्दिक पांड्या पूरी तरीके से फिट नहीं है, उन्होंने आखिर के दो तीन मैचों में गेंदबाजी भी नहीं की, उसका गुजरात को नुकसान भी उठाना पड़ा। तो इसीलिए एक ऐसा ऑलराउंडर होना चाहिए, क्योंकि दशुन सनाका को उन्होंने लिया था, दशुन सनाका ने भी उस तरीके की ना गेंदबाजी करके दिखाई ना बल्लेबाजी करके दिखाई। तो इसीलिए गुजरात एक विदेशी ऑलराउंडर के तौर पर बेन स्टोक के पीछे जा सकती है, जो गेंदबाजी भी करके दिखाए, बल्लेबाजी भी ऊपरी क्रम पर करके दिखाए, और हार्दिक पांड्या को थोड़ा सा आराम मिल जाए, तेज गति के ऑलराउंडर के तौर पर एक ऐसा दूसरा खिलाड़ी उनको मिल जाए, इसलिए गुजरात बेन स्टोक के पीछे जा सकते हैं। लेकिन कुछ रकम तक, बस 6-7-8 करोड़ तक गुजरात केवल जाएगी। उसके बाद में पंजाब बेन स्टोक के पीछे जा सकती है। उसके पीछे के कई रीजन है। सबसे पहले तो पंजाब के पास ऐसी खबर आ रही है कि शायद शिखर धवन को रिलीज किया जाएगा। अब शिखर धवन को अगर रिलीज किया जाएगा तो फिर कप्तान का वो ऑप्शन ढूंढेंगे, कप्तान को ऑप्शन ढूंढेंगे तो बेन स्टोक का ऑप्शन उनके लिए बहुत बेहतर होगा। अच्छा कप्तान भी मिल जाएगा, बल्लेबाज मिल जाएगा ऊपरी क्रम का, और गेंदबाज भी मिल जाएगा, एक अच्छे तीनों चीजें पंजाब को मिल सकती हैं। तो पंजाब की टीम भी बेन स्टोक के पीछे जा सकते हैं, क्योंकि उनको कप्तान और बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों मिल जाएंगे, तो ये एक ऑप्शन है। उसके बाद में केकेआर पंजाब बेन स्टोक के पीछे जा सकती है। अब क्यों जा सकती है, उसके पीछे की चीजें हमने कई बार बताई हैं, क्योंकि केकेआर को भी एक तेज गति के अच्छे मैच विनर ऑलराउंडर की जरूरत है। उस तरीके से रसेल काम कर नहीं पा रहे हैं, बाकी विदेशी खिलाड़ी उस तरीके से खेल नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में एक ऐसा ऑलराउंडर मिल जाए जो मैच विनिंग हो, जो गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों कर सके, बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस दिखा सके, और बेन स्टोक उस तरीके के खिलाड़ी हैं, तो बेन स्टोक के पीछे केकेआर भी जा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक, वो भी 7-8 करोड़ तक ही केकेआर बेन स्टोक के पीछे जाएगी।
उसके क्योंकि आंध्र रसल को उतना पैसा देते हैं ना, तो आंध्र रसल की सैलरी में अगर बैनस्टोक मिल जाएंगे तो बढ़िया रहेगा। एसआरएच भी बैनस्टोक के पीछे जा सकती है, उसके पीछे का रीजन है, उसके पीछे का रीजन ये है कि सनराइजर्स हैदराबाद को एक तो अच्छा सा कप्तान मिल जाएगा। मार्करम हालांकि उनके कप्तान है, लेकिन अगर बैनस्टोक मिल गए तो जाहिर तौर पर एक अच्छा कप्तान के साथ साथ एक अच्छा बल्लेबाज मिल जाएगा। ऊपरी क्रम से बात सारी क्या है कि सनराइजर्स हैदराबाद हैरी ब्रुक्स को इस बार रिलीज कर देगी। हैरी ब्रुक्स को बहुत मोटी रकम दे दी, 13 करोड़ के आसपास। तो बैनस्टोक को अगर हैरी ब्रुक्स के बदले में अगर बैनस्टोक को खरीद लेती है एसआरएच, तो मेरे हिसाब से ये एसआरएच के लिए कोई बुरा सौदा नहीं होगा, क्योंकि एक कप्तान मिल जाएगा, एक बल्लेबाज मिल जाएगा, एक गेंदबाज भी मिल जाएगा। उतने ही रकम में अगर आपको तीनों चीजें मिल जाएं तो सनराइजर्स हैदराबाद की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। इसीलिए सनराइजर्स हैदराबाद वैसे भी विदेशी खिलाड़ियों को कप्तान बनाने के लिए जानी जाती है, तो बैनस्टोक जैसा ऑप्शन काव्या मारन के लिए बहुत बेहतर होगा। और काव्या मारन भी बैनस्टोक के पीछे जा सकती है, और सबसे सटीक अगर कोई टीम बैनस्टोक के पीछे जाएगी तो सनराइजर्स हैदराबाद है, क्योंकि उनको विदेशी कप्तान मिल जाएगा, विदेशी कप्तान को बनाते हैं। हैरी ब्रुक्स का परफेक्ट रिप्लेसमेंट उनको मिल जाएगा, क्योंकि हैरी ब्रुक्स तो 13 करोड़ लूट कर ले गए, तो काव्या मारन को नुकसान हो गया। तो उतने में ही अगर बैनस्टोक भी मिल जाते हैं तो उसी रकम में तीन चीजें सनराइजर्स हैदराबाद को मिल जाएंगी, तो बैनस्टोक के लिए सबसे बेहतर टीम एसआरएच रहेगी। उसके बाद में राजस्थान की टीम भी बैनस्टोक के पीछे जा सकती है। अब क्यों जा सकती है, देखिए उसके पीछे का रीजन है। रीजन ये है कि एक तो राजस्थान की टीम होल्डर को छोड़ रही है, होल्डर को भी 6 करोड़ से ऊपर दे दिए। अब 6 करोड़ की रकम भी बहुत होती है, होल्डर भी तेज गति के ऑलराउंडर है, होल्डर भी विदेशी खिलाड़ी है, ठीक है। सबसे पहली बात तो यह है कि विदेशी खिलाड़ी 6 करोड़ में आप बाहर निकाल रहे हैं, तो 1-2 करोड़ और बढ़ाकर आप बजट अपना बढ़ाकर बैनस्टोक जैसा अगर 8 करोड़ में मिल जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, बैनस्टोक राजस्थान में रहे हैं, लंबे वक्त तक रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन जो करके दिखाया है बैनस्टोक ने वो राजस्थान में ही करके दिखाया है, तो इसीलिए राजस्थान की टीम बैनस्टोक को जानती है, बैनस्टोक राजस्थान की टीम को जानते हैं, बेहतर तरीके से दोनों का सामंजस्य है। तो ये भी एक बन सकती है बात कि अगर 8-9 करोड़ तक अगर बैनस्टोक मिल जाते हैं राजस्थान को, तो होल्डर को छोड़ने के बाद बैनस्टोक के पीछे राजस्थान की टीम जा सकती है, क्योंकि उतने में उनको लेना कोई नुकसान वाला सौदा नहीं रहेगा। सारे मैचेस खेल सकते हैं, अपने दम पर मैच जिताने की ताकत रखते हैं विदेशी खिलाड़ी के तौर पर, होल्डर वैसे भी खेलते रहे हैं, तो बैनस्टोक का पीछे राजस्थान की टीम जा सकती है। उसके बाद में एक और टीम है दिल्ली डेयरडेविल, दिल्ली कैपिटल जो है वो भी जा सकती है उनके पीछे। अब उसके पीछे का रीजन क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखिए इस बार रेली रोसो छोड़े जा सकते हैं, डेविड वॉर्नर को छोड़ने की बातें लगातार चल रही हैं, क्योंकि पक्का नहीं है, डेविड वॉर्नर का भी पक्का नहीं है, क्योंकि उसके पीछे की वजह है वो मैं आपको एक अलग वीडियो में बता दूंगा। अब ये 2-3 विदेशी खिलाड़ी चले जाएंगे, अब 2-3 विदेशी खिलाड़ी अगर जाएंगे, एनरिक नोर्जे के जाने की बातें आ रही हैं, उनसे भी दिल्ली जो है वो परेशान है, तो अगर ये 2-3 खिलाड़ी जाएंगे तो दिल्ली कैपिटल भी बैनस्टोक के पीछे जा सकती है। उसके पीछे का रीजन ये है कि एक तो बैनस्टोक ऊपरी क्रम का बल्लेबाज मिल जाएगा, अच्छा गेंदबाज ऑलराउंडर के तौर पर मिल जाएगा, और अगर दिल्ली चाहे तो अगर ऋषभ पंत पूरी तरह से फिट नहीं होते, दिल्ली चाहे तो बैनस्टोक को कप्तान भी बना सकती है या वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में, तो बैनस्टोक के पास वो ताकत है। तो एक अच्छा खिलाड़ी दिल्ली कैपिटल को भी मिल जाएगा बैनस्टोक के रूप में। तो ये जो टीमें हैं 6 टीमें, इन 6 टीमों को बैनस्टोक की सबसे ज्यादा जरूरत है, सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा अगर जरूरत है वो तो सनराइजर्स हैदराबाद को है। सनराइजर्स हैदराबाद अगर बैनस्टोक को खरीद लेती है और जो पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि हैरी ब्रुक्स को बाहर निकाल के सनराइजर्स हैदराबाद 100% कोशिश करेगी कि बैनस्टोक को ले ले, उसी रकम में अगर मिल जाएंगे तो बैनस्टोक को लेना कोई नुकसानदायक वाला बात नहीं रहेगा। कप्तान भी मिल जाएगा, बल्लेबाज और गेंदबाज तीनों चीजें मिल जाएंगी। तो ये वो 6 टीमें हैं जो बैनस्टोक के पीछे जा सकती हैं, या जिन टीमों में बैनस्टोक जैसे खिलाड़ी की जरूरत है। आपका क्या मानना है, किस टीम में बैनस्टोक जा सकते हैं कमेंट करके बताइएगा, और कितनी रकम आपको लगता है कि बैनस्टोक को 2024 में मिलेगी ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि लगातार इस तरीके की सीरीज आप लोगों के लिए चलती रहेंगी, और भी दिलचस्प दिलचस्प टॉपिक हम आपको आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।